असलम स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर थ्री के एम uh, सिक्यूज करने जा रहे हैं जो कि डिफ्रेंसिएशन का हमारा चैप्टर था हमने इसके सारे क्वेश्चन सारे एक्सरसाइजेस हमने डिटेल से सॉल्व की हुई हैं अगर आपको उनके एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन चाहिए तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप इनकी वीडियो जरूर देखिएगा तो सारा चैप्टर नंबर थ्री हमने कम्प्लीट किया हुआ है इसके सारे जितने भी एक्सरसाइजेस के जितने भी पार्ट्स थे हमने इनके सोल्यूशन किए हुए हैं

पावर रूल ये कहता है कि माइनस थ्री जो इसकी पावर में है वो इसकी बेस में आ जाएगा और पावर एक माइनस हो जाएगी तो माइनस थ्री माइनस वन करेंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस फोर तो जब ये पावर माइनस फोर होगी तो थ्री टू आ जाएगा माइनस सिक्स और x की पावर माइनस फोर जब डिनोमिनेटर में आएगा तो x की पावर प्लस फोर हो जाएगा तो इट्स मीन द एमसीक्यू नंबर वन द करेक्ट आंसर इज सी सिक्स करेक्ट आंसर इज डी क्योंकि माइनस के साथ है तो माइनस सिक्स अपॉन एक्स की पावर फोर इज द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर टू अब एमसीक्यू नंबर टू में हमारे पास जो फंक्शन है ये है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है तो हम वन अपॉन टू लिख देते हैं पावर में और x इन की पावर वन अपॉन जहां जहां अंडर रूट हमने पावर वन अपॉन लिख दी है तो y इज इक्वल अब ये बेसिस सेम है दोनों एक्स एक्स है इसकी पावर है वन और इसकी पावर है one one x की पावर थ्री अपॉन टू अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे वन अपॉन टू है तो पावर वन अपॉन टू बेस में आ जाएगी पावर और एक्स की पावर वन अपॉइंट टू माइनस वन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन टू तो इसकी पावर में आ जाएगा माइनस वन टू और यह है थ्री अपॉइंट टू और x की पावर थ्री अपॉइंट टू माइनस वन करेंगे थ्री माइनस टूं तो x की पावर यह वन पे हो जाएगी अब ये वन अपॉइंट टू है इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसकी पावर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो थ्री अपॉइंट टू एक्स की पावर वन बाय टू तो एक्स की पावर वन बाय टू का मतलब होता है अंडर रूट एक्स यहाँ पे X में आएगा अपॉन टू थ्री अंडर रूट एक्स अपॉन टू तो नंबर ए एन अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया ना दीक्यू इज इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस टू तो वाई की वैल्यू है एक्स प्लस वन देन एक्स स्क्वाइनस टू अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो x थ्री हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस माइनस टू और अब यहाँ पे आके इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स स्क्वायर पावर रूल लगाइए तो टू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा जीरो तो वाई डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो वाई डैश किसके आ जाएगा हमारे पास थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू और ये मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर इज बी नाउ मूविंग टू वॉज दी क्यू एक्सर प्लस इज इक्वल्स टू ए बी तो अब यहाँ पे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है राइट right? तो यहाँ पे बोथ साइड पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं प्लस बी वाई यहाँ पे भी डेरिवेटिव ए बी का ले लेंगे यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं ए बी है तो ये तो जीरो हो जाएगा यहां पे ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो टू ए एक्स पावर रूल लगाइए पहले आ गया यहां पे भी पावर लगाइएंगे टू बी वाई हो जाएगा लेकिन ये वाई के रिस्पेक्ट से है तो डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में लिखना पड़ेगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वन के ही इक्वल होता है इक्वल्स टू जीरो अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स ये टर्म जब राइट uh, साइड right पे आएगी तो माइनस टू ए एक्स हो जाएगा करेक्ट आंसर माइनस एक्स अपॉन बी वाई माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई के इक्वल है नाउ मूविंग टू वर्ड्स डी एम सी क्यू नंबर फोर अब इसमें हमारे पास है y तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस वाई माइनस वाई को इस साइड पे ले आते हैं पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसके बाद इसका डेरिवेटिव ले, ले लेंगे नाउ टेकिंग डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा और यहाँ पे y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं अंदर रह जाएगा टू वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू सेक स्क् एक्स अब टू वाई प्लस वन इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो करेक्ट आंसर इज आंसर डी क्या करते हैं हमें पता है कि जो X है, अगर मुझे इसका डेरीवेटिव निकालना है

डेरिवेटिव नहीं लेते एंगल का क्योंकि वो वन के ही इक्वल होता है लेकिन अगर एक्स के अलावा कोई और नंबर है तो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया रह गया यहाँ पे और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस हाफ अब माइनस हाफ है जब डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा और प्लस हाफ होने के बाद अंडर रूट एक्स हो जाएगा राइट right? अब ये एक्स को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो बाहर अंडर रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ आंसर ऑप्शन नंबर डी वन अपॉइंट टू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स नाउ एमसीक्यू नंबर सेवन दिन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स इज वॉट तो स्टूडेंट जब भी हमने किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे u टेन एक्स्यूम कर लेंगे और v एज्यूम कर लेंगे कि वो के इक्वल है राइट right? अब इसका डी यू अपॉन डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मुला याद होंगे तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और कॉट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वास अब मुझे क्या निकालना है टेन का डेरिवेटिव यानी कि डी यू अपॉन डी वी निकालना है कॉट के रिस्पेक्ट से तो अगर मैं ये करूँ डी यू अपॉन डी एक्स कर दें और फिर डी एक्स अपॉन डी वी कर दें इससे क्या होगा ये एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास डी यू अपॉन डी वी रह जाएगा तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है जो कि है सेक्स स्क्वायर एक्स और dx अपॉन डी वी यानी कि यह डीवी अपॉन डी है इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा माइनस वन अपॉन कॉस एक्स स्क्वास राइट तो अब ये यह सेक्स किसके इक्वल होता है अपॉन के और माइनस वन अपॉन सेक होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स के तो माइनस ये रहा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज माइनस टेन स्क्वायर एक्स नाउ मूविंग टू वाज दस्ट mcq MCQ, क्यू एम नंबर एट और एम सी क्यू नंबर एट में हमारे पास फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव और इसका डेरिवेटिव में टू की वैल्यू गिबन है जो कि नाइन है और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जो फंक्शन है हम इसका डेरीवेटिव निकाल लेते हैं थ्री एक्स माइनस फाइव इसका अगर डेरीवेटिव हम चेक करें टू ए एक्स माइनस थ्री और अगर मैं एक्स की जगह पे टू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा टू ए एक्स की जगह पे टू पुट कर दिया माइनस थ्री और एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू भी हमें गिवेन है जो कि नाइन है तो टू टू ज़ा फोर ए माइनस थ्री थ्री इधर आके प्लस में हो जाएगा ट्वेल्व फोर डिवाइड में आ जाएगा फोर वन ज फोर फोर टू ज़ा एट फोर थ्री ज़र ट्वेल्व तो ए की वैल्यू आ गई थ्री तो ऑप्शन नंबर बी ज द राइट आंसर ए की वैल्यू थ्री नाउ मूविंग टू वर्ड्स दी क्यू दिवेटिव ऑफ एक्स स्क्स इज वॉट तो स्टूडेंट यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल राइट तो मुझे फाइंड आउट करना है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्स इसका डेरीवेटिव मुझे निकालना है तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आप पहले फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरीवेटिव तो इसका डेरीवेटिव क्या हो जाएगा टू बेस में आ जाएगा टू ई बीच में आएगा प्लस का साइन फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स राइट तो अगर इसमें से मैं टू ई e की पावर टू एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ से सिर्फ एक्स रह जाएगा तो करेक्ट आंसर इसका हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी टू ई की पावर टू एक्स एक्स स्क्वायेर प्लस एक्स ना मूविंग टूवर्ड्स नंबर टेन द डेरीवेटिव ऑफ ए एक्स लेकिन ए इज लेस देन जीरो है तो यहाँ पर ये जो कंडीशन गिवेन है ये काफ़ी प्रॉब्लम करेगी क्योंकि हमें ये पता है कि अगर आ, मैं सिर्फ ए एक्स का डेरीवेटिव निकालू तो हमारे फॉर्मूले में मौजूद है कि ए एक्स का डेरीवेटिव इक्वल होगा ए एक्स एल एन ए के लेकिन उसके लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन अगर ए नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है एल के साथ नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि एल में आप कोई भी नेगेटिव टर्म डाल दें आपको कैलकुलेटर में रिजल्ट नहीं मिलेगा तो जगह अगर ये ए लेस देन ज़ीरो की अगर हम बात करें तो एल एन लेस देन ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट द करेक्ट आंसर इज आंसर डी अगर ये पॉजिटिव होता ए इज़ पॉजिटिव तो हम इसका ये आंसर लेते लेकिन अगर ये नेगेटिव है जो कि यहाँ पे मेंशन है, है तो इट्स मीन डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हम इसका डेरीवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें पता है कि वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स तो टू को हम यहाँ पे ले जाए तो टू साइन स्क्वायर और इसी तरह से वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू करें तो वो कॉज स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है तो टू हम यहाँ पे ले आए तो टू कॉज स्क्वायर एक्स तो ये वाई मेरे पास क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर उपॉन टू कॉज स्क्वायर एक्स टू से टू कैंसिल आउट हुआ साइन स्क्वायेर अपॉन कॉज स्क्वा टेन इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर uh, आएगा तो रूट से स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा तो सिर्फ टेन एक्स रह जाएगा तो टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो y इज इक्वल टू एक्स रह गया अब मुझे x का डेरिवेटिव निकालना है तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा वन के इक्वल तो करेक्ट आंसर इज ए दैट इज नाउ मूविंग टू वर्ड्स नंबर ट्वेल्व अब इसमें तो फॉर्मूला ही है जो कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स ये इक्वल होता है अगर डेरिवेटिव हमें निकालना है साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन और डी अपॉन डी एक्स अगर आपको निकालना है किसका कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का तो ये इक्वल होगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये दोनों प्लस हो रहा है तो प्लस के साथ इज वॉट तो स्टूडेंट टेन हाइपरबॉलिक एक्स इसका डेरीवेटिव इक्वल होता है सेक हाइपरबॉलिक सेक हाइपरबॉलिक स्क्र एक्स का लेकिन यहाँ पे बात करें टेन हाइपरबॉलिक साथ में ए एक्स भी है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स और एंगल का डेरिवेटिव यानी कि ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो जाएगा तो साथ में मल्टीप्लाई होगा ए तो करेक्ट आंसर होगा ए सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए एक्स ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं बल्कि हाइपरबॉलिक के ऊपर लगेगा करेक्ट आंसर हमारे करेक्ट आंसर हमारे पास है आंसर सी ए सेख हाइपरबॉलिक स्क्वायर ए एक्स नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 14 द डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स टू एक्स तो स्टूडेंट यहां पे आपको हाइपरबॉलिक के फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें पता है कि अगर मैं डेरिवेटिव लूं कॉट हाइपरबॉलिक एक्स का तो ये इक्वल होता है 1 अपॉन 1 x स्क्वायर के लेकिन यहाँ पे तो टू भी है साथ में यानी कि कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स साथ में टू एक्स भी है तो अब एक्स की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा टू एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा तो डेरिवेटिव में तो टू आ जाएगा तो टू अपॉन वन माइनस टू का स्क्वाज फोर एक्स स्क्वायर राइट तो करेक्ट आंसर हमारे पास हुआ टू अपॉन वन माइनस

एक्सपोनेंशियल ले लो तो ये जाएगा ई वाई और एल एन और ई e कैंसिल होकर यहां पे रह जाएगा टू एक्स तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई वाई अपॉन टू तो ये बेसिकली हो जाएगा ई एक्स अपॉन टू अपॉन टू और अगर मुझे इस y की जगह पे मैं x पुट कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा ई एक्स अपॉन टू तो हमने y का इन्वर्स uh, तो निकाल लिया f इनवर्स एफ इनवर्स x इज द इन्वर्स जिसको हम कह रहे हैं कि फंक्शन का जो इन्वर्स है ये किसके इक्वल है G of x के क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया G of x तो ऑफ x इक्वल हो गया ई एक्स अपॉन टू के और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो वन अपॉन टू एज इट इज रहेगा और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही रहेगा तो ई एक्सॉइन टू हो जाएगा इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज आंसर डी ई एक्सॉइट टू नाउ मूविंग टू वर्ड एमसीक्यू। इफ एफ ओ फैक्स इज इक्वल टू ए कॉस थ्री एक्स यहाँ पे रीराइट करते हैं एफ ओ फैक्स इज इक्वल टू ए कॉस थ्री एक्स इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस अब एंगल का डेरिवेटिव थ्री भी आ जाएगा साथ में साइन थ्री एक्स एक्स की जगह पे हमने पुट करना है पाए बाय टू तो ये माइनस थ्री ए साइन थ्री और साथ में पाए बाय टू तो एफ डैश पाए बाय टू की वैल्यू तो हमें गिवन है जो कि है सिक्स माइनस थ्री ए अब साइन थ्री पाए बाय टू की वैल्यू होती है माइनस वन कैलकुलेट में आप चेक कर सकते हैं तो सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री इज टू और माइनस माइनस प्लस तो ए की वैल्यू आ गई टू इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज टू तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर थ्री के एम सी क्यू सॉल्व कर लिया है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है कोई भी एम सी क्यू क्लियर नहीं है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मैं आपके कॉमेंट का जरूर आंसर करूंगी थैंक यू सो मच की आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी